हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक ऑन बिल के चैप्टर 5th को, जिसका टाइटल है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालकीवाला। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। ये जो चैप्टर है, एक आर्टिकल एक्चुअली में जो नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था और इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 को। द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। इस आर्टिकल में जो उन्होंने उस वक्त इशू उठाया था कि खराब हेल्थ हो रही है हमारी अर्थ की, आज भी उसका रेलिवेंस है, आज भी वो प्रासंगिक है। लेट्स रीड द लेसन नाउ। One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. कोई किसी भी मूवमेंट को याद नहीं कर सकता इस दुनिया की हिस्ट्री में, जो मूवमेंट मानव जाति की कल्पनाओं पर इतना छा गया हो और इतनी पूरी तरीके से छा गया हो और इतनी तेजी से छा गया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ था आज से 25 साल पहले। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनवाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में दुनिया की पहली नेशनवाइड ग्रीन पार्टी बनाई गई न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। तब से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. हम उम्मीद करते हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया है, हमने बदल दिया है अपना जो व्यू था, अपना जो विचार था, वो बदल दिया है दुनिया के बारे में। पहले जो हमारा व्यू था वो मैकेनिस्टिक व्यू था, एक यांत्रिक व्यू था। हम दुनिया को एक मशीन से समझते थे जो अपने आप चलती है, उससे बदल कर हमारा व्यू अब क्या हो गया है, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू हो गया है। होलिस्टिक मीन्स हम पूरी दुनिया को एक देखते हैं, एक ही यूनिट में देखते हैं। हम ये नहीं समझते कि इंडिया की धरती, अमेरिका की धरती या किसी और देश की धरती, वो अलग है, सब एक ही है। हम उसको एक यूनिट के रूप में देखते हैं। और हमारा दूसरा इकोलॉजिकल व्यू हो गया है। इकोलॉजिकल मीन्स पर्यावरण वाला, हम पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं। अगर एक जगह कोई प्रॉब्लम आती है पर्यावरण की वजह से, तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ता है, संसार के दूसरे हिस्सों में भी पड़ता है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी। ये जो बदलाव है ह्यूमन की, मानव की धारणा में, वो इतना ही क्रांतिकारी है एज दैट जितना कि इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिक्स, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। ये उतना ही क्रांतिकारी व्यू है, हमारा विचार है, जितना कि कॉपरनिक्स ने हमें सिखाया था 16th सेंचुरी में कि अर्थ और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं सूरज के चारों ओर। For the first time in human history, पहली बार हुआ है मानव के इतिहास में, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. ये एक बढ़ती हुई दुनिया में जागरूकता है कि जो अर्थ है ये अपने आप में ही एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, an enormous being of which we are parts. एक बहुत बड़ा जीव है जिसके हम हिस्से हैं। It has its own metabolic needs. इसकी अपनी शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस और जीवन संबंधी प्रोसेसेस हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसका हमें आदर करना चाहिए और जिसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी के जो जीवन के लक्षण है वो ये खुलासा करते हैं कि जो धरती है वो एक पेशेंट है जिसकी हेल्थ क्या हो रही है, लगातार बिगड़ रही है। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation. हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक होने व भावी पीढ़ियों की विरासत को संभालने वालों के रूप में अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना अब शुरू कर दिया है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. ये जो धारणा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको पॉपुलराइज किया गया 1987 में वर्ल्ड कमीशन के द्वारा, जो किस पर हुई थी, एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, एंड डेवलपमेंट और विकास पर। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज
अपनी रिपोर्ट में उन्होंने परिभाषित किया था इस आइडिया को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को कैसे बताया कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, वो विकास जो इस समय की जनरेशन की जरूरतों को पूरा करे, प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, लेकिन इसके साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करे कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ना छोड़े, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम छोड़कर जाएं और अपनी भी जरूरतों को पूरा करें। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया और इसे फेमस किया गया। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, हम जरूरत से ज्यादा यूज ना करें उन प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जिनकी जरूरत आने वाली जनरेशन को होगी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal. Lusaka, Zambia के एक चिड़ियाघर में एक ऐसा पिंजरा है जिस पे नोटिस लगा हुआ है और उस नोटिस पे लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। Inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself. लेकिन उस पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं है, एक शीशा लगा हुआ है जिसके अंदर आप अपने आप को देखते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो इंसान ही है जो सबसे खतरनाक एनिमल है जिसने इस अर्थ पर सबसे ज्यादा बर्बादी की है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन थैंक किया जाता है उन प्रयत्नों का जो कई एजेंसीज ने किए हैं अलग अलग देशों में। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. ये जो most dangerous animal है, इसको अब एक समझ आ गई है, एक नई जागरूकता आ गई है इसमें, मतलब इंसान में आ गई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब उसने एक बात समझ ली है कि जो सिस्टम था डोमिनेशन का, प्रभुत्व का, कि अपने आप को मालिक समझते थे पेड़ों के, जानवर के, सबसे सबको डोमिनेट करते थे, उससे जो हमारा शिफ्ट आया वो ये आया है कि अब हम पार्टनर बन गए हैं, अब हम सबको पार्टनर समझते हैं कि जैसे हम इस धरती पर रहते हैं उनका भी रहने का उतना ही हक है। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट ने एक सूची बनाई है जिसके अनुसार 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज हैं जिसके साथ इंसान धरती को शेयर करता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। जिनकी सूची नहीं बनी है उनकी संख्या के अनुमान में कुछ मतभेद है। जीव वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 30 लाख से 10 करोड़ ऐसी प्रजातियां हैं जो तड़प रही हैं, खत्म हो रही हैं एक लज्जाजनक अंधकार में। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाज द ब्रांट कमीशन विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर एल के झा। शुरुआती अंतरराष्ट्रीय आयुक्तों में से जिन्होंने अन्य बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी व पर्यावरण के प्रश्न पर विचार किया है उनमें से ब्रांट कमीशन भी थी, जिसका एक सदस्य है वो फेमस भारतीय जिनका नाम एल के झा था। द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन आर वी लीव आर सक्सेसर ए स्कॉर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट। जो पहली ब्रांट रिपोर्ट थी उसमें एक सवाल उठाया गया, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बढ़ती हुई मरुभूमि छोड़कर जाएंगे, एक डेजर्ट छोड़कर जाएंगे और एक जलता भुनता हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे, एक खराब लैंडस्केप छोड़कर जाएंगे और एक बीमार एनवायरमेंट, एक बीमार पर्यावरण, एक रोगी पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। उन्होंने उसमें बताया कि अर्थ की 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, धरती की 4 जैविक प्रणालियां हैं, और वो कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम है, फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान एंड क्रॉपलैंड्स और जो कृषि भूमि है वो है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये पूरे वर्ल्ड का जो आर्थिक सिस्टम है उसकी बुनियाद है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड
हमें फूड सप्लाई करने के अलावा दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स। ये चारों के चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमें फूड सप्लाई करने के अलावा जितना भी कच्चा सामान है इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए हमें देते हैं मिनरल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़कर। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। जो दुनिया के बड़े हिस्से में इंसानों का जो अधिकार है इन चारों सिस्टम पर बहुत ज्यादा होते जा रहा है, एक अनसस्टेनेबल लेवल हो गया है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बींग इम्पेयर्ड, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पे इसकी प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता है, वो बिल्कुल खराब हो रही है, कम हो रही है। When this happen, fisheries collapse, जब ऐसा होता है तो तब जो मछली उद्योग है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, असफल हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इन टू ए बैरन वेस्टलैंड, और जो घास के मैदान है वो एक बंजर भूमि हो जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो कृषि भूमि है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। इस प्रोटीन से सचेत दुनिया में और प्रोटीन से हंग्री वर्ल्ड में जो मछली का पकड़ना है वो रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है। इन पुअर कंट्रीज और गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो लोकल जंगल हैं उनको बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए, जलाने वाली लकड़ी प्राप्त करने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कुछ जगहों में ऐसा हो गया है कि जो जलाने वाली लकड़ी है वो इतनी महंगी हो गई है कि राइटर एक हमें एक फ्रेज देता है, एक लाइन लिखता है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। मींस जो चीज बर्तन के नीचे है वो ज्यादा महंगी हो गई है उस चीज से भी जो बर्तन के बीच में है। मतलब जो बर्तन में पक रहा है वो सस्ता है और जो बर्तन के नीचे जल रहा है वो ज्यादा महंगा है। मतलब लकड़ी इतनी महंगी हो गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो एक कार्मिक विकास के ऊर्जा का स्रोत होते हैं डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं इन जंगलों के कम होने की वजह से। इट हैज बीन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि मनुष्य के आने से पहले वन होते हैं, डेजर्ट्स फॉलो, उनके जाने के बाद डेजर्ट बन जाते हैं। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पेट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स अ ईयर। ये जो संसार की पुरानी धरोहर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, अब वो उजड़ती जा रही है। किस रेट पर ये उजड़ रही है? 40 to 50 million, 400 से 500 लाख एकड़ से ईयर, एक साल में खराब हो जाती है, उजड़ जाती है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सोइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, और गोबर को जलाने के लिए प्रयोग होने से भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित होती जा रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। वो जो वर्ल्ड बैंक है एस्टिमेट, वो अंदाजा लगाता है कि 5-fold इंक्रीज, 5 गुना इंक्रीज चाहिए इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, फॉरेस्ट को लगाने में, टू कोप विद, अगर हम निपटना चाहते हैं जो एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड है, जो एक्सपेक्टेड लकड़ी की डिमांड होगी इन द ईयर 2000 ईयर में, जो डिमांड होगी। ईयर 2000 यहां पर यूज किया गया है, लेकिन 2000 ईयर तो बीत चुका है, लेकिन ये आर्टिकल जब लिखा गया था वो 1994 में लिखा गया था, इसलिए यहां पर ईयर 2000 यूज किया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। जेम्स पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, जेम्स पेथ जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एन एकड़ सेकंड। उन्होंने कहा था कि हम जंगलों को किस रफ्तार से खो रहे हैं, एक एकड़ जंगल को हम खो देते हैं एक सेकंड में। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकंड, लेकिन ये किसके नजदीक आने वाला है कि हम एक सेकंड में 1.5 एकड़ जंगल को खो देंगे। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट
जो एक अनुच्छेद है 48A भारत के संविधान में, वो हमें प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री, कि जो सरकार है पर्यावरण की रक्षा वह उसे सुधारने का प्रयास करेगी, वह देश के वन व वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखेगी. बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉस आर नेवर रिस्पेक्टेड नोर एनफोर्स्ड इन इंडिया. लेकिन जिस बात से सबसे ज्यादा पीड़ा होती है वो ये है कि भारत के कानून का ना पालन होता है ना ही उन्हें लागू किया जाता है. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जाति पाति, छुआछूत और बंधवा मजदूरी समाप्त किए जाएंगे, परंतु संविधान के लागू होने के 44 ईयर के बाद भी ये लज्जाजनक ढंग से फल फूल रहे हैं. A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. एक रीसेंट रिपोर्ट में जो पार्लियामेंट एस्टिमेटेड कमेटी की है उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि बड़े ही खतरनाक तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, कमी हो रही है इंडिया के जंगलों में पिछले 40 सालों में. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय डाटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, इंडिया जो है इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर. जो इंडिया है अपने जंगलों को खो रहा है, 3.7 मिलियन एकड़ जंगल को खो देता है एक साल में. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े बड़े एरिया जिनको आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है कि वो फॉरेस्ट लैंड है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो बिल्कुल ट्रीलेस हो चुके हैं, वनों से रहित हो चुके हैं. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times the rate indicated by government statistic. अगर असली नुकसान देखा जाए जंगलों का तो वो 8 गुना ज्यादा है जितना कि हमें बताया गया है गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक के द्वारा, गवर्नमेंट के आंकड़ों के द्वारा, उससे भी 8 गुना ज्यादा है. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it's critical in many of the 88 countries investigated. उपग्रहों व हवाई फोटोग्राफ का प्रयोग करके राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने 3 वर्ष के अध्ययन के बाद ये बात बताई है कि जिन देशों का निरीक्षण किया गया उसमें कईयों का पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि चिंताजनक स्तर पर वो पहुंच गया है. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. इस बात में कोई शक नहीं है कि संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या मानव समाज के भविष्य को बिगाड़ने वाले बड़े बड़े कारणों में से एक है. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. प्रथम 1 अरब की जनसंख्या पहुंचने में मानव जाति को 10 लाख वर्ष लगे थे. That was the world population around the year 1800. उस समय 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी थी. By the year 1900, a second billion was added. लेकिन 1900 तक एक और बिलियन उसमें जुड़ गया. And the 20th century has added another 3.7 billion. और 20th century ने 3.7 billion population को और इसमें जोड़ दिया है. The present world population is estimated at 5.7 billion. जो आज की present world population है, उसका अंदाजा लगाया जाता है कि वो 5.7 billion है. Every 4 days the world population increases by 1 million. हर 4 दिन बाद पूरी दुनिया की population 1 million बढ़ जाती है. Fertility falls as income rise. Education spreads and health improves. जो प्रजनन शक्ति है वो कम होती है जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, एजुकेशन फैलती है और हेल्थ लोगों की इंप्रूव होती है. थस इस प्रकार डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. जो विकास है वही सबसे बड़ा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है. अगर जनसंख्या को रोका जा सकता है तो वो डेवलपमेंट से ही रोका जा सकता है. बट द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल If the present increase in number continues, लेकिन जो विकास है वो भी शायद पॉसिबल ना हो, वो भी शायद संभव ना हो अगर
जो प्रेजेंट इंक्रीज है इन द नंबर कंटिन्यूस, जो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अगर ऐसे ही बढ़ती रहती है तो विकास भी पॉसिबल नहीं है. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. जो अमीर है वो अमीर होते जाता है और जो गरीब है वो बच्चे पैदा करता रहता है. विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर और इसी वजह से वो गरीब रहते हैं. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा काम करने वाले, उसका इतना ही मतलब है कि ज्यादा लोग बिना काम के. इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज्ड, बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन. यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें जबरदस्ती स्टेरलाइज कर दिया जाए, बांझ बना दिया जाए, लेकिन बिना जोर जबरदस्ती से अपनी इच्छा के अनुसार परिवार नियोजन करने जैसा कोई विकल्प नहीं है. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. वास्तव में हमने चॉइस करनी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें या फिर लगातार गरीबी में रहें. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे. जो भारत की जनसंख्या है वो अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 920 मिलियन है आज. मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है. नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हंटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. जिन्हें भारत की परिस्थितियों का ज्ञान है उनमें से कोई भी ये बात का डाउट नहीं करेगा कि जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ऊंची प्राथमिकता नहीं दी जाती, लोगों की आशाएं उनकी भूखी झोपड़ियों में ही दम तोड़ देंगी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. मानव इतिहास में पहली बार न केवल लोगों की बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में भारी चिंता है. वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस. हमने अपने अस्तित्व को अब अन्य जीवों के अस्तित्व से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस, इट इज आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. पर्यावरण की समस्या हमारे अंत का पक्का संकेत नहीं है, यह हमारे भविष्य में प्रवेश करने के लिए एक अनुमति पत्र है, एक पासपोर्ट है. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नए संसार के सपने ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के युग को शुरू कर दिया है. इट इज ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट. ये अब हमारा सार्विक व्यू है, एक पर्यावरण वाला व्यू है संसार के प्रति. हम दुनिया को देखते हैं इंटीग्रेटेड होल के रूप में कि पूरी दुनिया एक इकाई है, रादर देन ऐसा नहीं देखते कि डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट है, कि ये अलग अलग हिस्सों का एक जुड़ा हुआ संग्रह है. इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो उद्योग है उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस नए युग में, जिम्मेदारी के युग में. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman DuPont, Mr. Edgar S. Willard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. इतना बड़ा बदलाव आएगा अगर ज्यादातर व्यापारी DuPont के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलवर्ड की राय से सहमत हो जाएं. उसने 5 वर्ष पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित किया था. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." उन्होंने कहा था, हमारा मुख्य निर्माता के रूप में अस्तित्व तभी बना रहेगा जब हम पर्यावरण में भी बढ़िया काम कर दिखाते हैं. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her flirtatious word, "No generation has a freehold on this earth. All we have is a life of tenancy with a full repairing lease."
मार्गेट थेचर ने अपने प्रधानमंत्री होने के दिनों में जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कोई भी अंग्रेजी भाषा में इतना प्रचलित नहीं हुआ है जितना कि उसके ये मजेदार शब्द। किसी भी पीढ़ी के पास इस धरती पर मालकाना हक नहीं है। हम सब जीते हैं कौन सी लाइफ, एक किराएदार की लाइफ को जीते हैं और किराएदार के रूप में हमें इसको ठीक रखना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन। हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त नहीं किया बल्कि अपने बच्चों से उधार ले रखा है। मतलब ये धरती हमारे पास अमानत पड़ी है हमारे बच्चों की, और हमने सही सलामत उनको ये धरती वापस करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ब्रीफ समरी दूं इस लेसन की, तो हमें शुरू में ये बताया गया है कि पहले इंसान क्या समझता था, इस धरती को चट्टान का एक टुकड़ा समझता था जो सूरज के चारों ओर घूमते रहता है, और जितने भी क्रिएचर इस धरती पे रहते हैं इंसान अपने आप को उसका मालिक समझता था, मास्टर समझता था। लेकिन जो ये मूवमेंट हुआ ग्रीन मूवमेंट, उसकी वजह से हमारी सोच बदल गई। उसकी वजह से हमारी सोच में ये बदलाव आया कि हमने धरती को क्या समझना शुरू कर दिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज समझनी शुरू कर दी। उसकी भी अपनी जरूरतें हैं, अगर हम उसकी जरूरतों को, धरती की जरूरतों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और प्रिजर्व नहीं करेंगे तो धरती बीमार हो गई है और बाद में मर भी जाएगी। इसीलिए लेसन का नाम है एलिंग प्लेनेट, मतलब बीमार धरती। और दूसरा हमारी सोच में बदलाव ये आया कि अब इंसान अपने आप को मालिक नहीं समझता दूसरे क्रिएचर्स का, वो अपना पार्टनर समझता है कि जितने हकदार हम हैं इस धरती में जीने के, वो भी उतने ही हकदार हैं जो दूसरे क्रिएचर्स हैं। फिर हमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये बताई गई कि एक बुक का नाम लिया गया जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने लिखी थी, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट। उन्होंने ये बताया कि धरती के चार बायोलॉजिकल सिस्टम है। वो चार बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से हैं, वो है फिशरीज, दूसरा क्या है फॉरेस्ट, तीसरा क्या है ग्रासलैंड, और फोर्थ क्रॉपलैंड। उन्होंने कहा ये जो चारों चीजें हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इसी की वजह से अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि ये चारों चीजें हमें जितना भी कच्चा सामान है इंडस्ट्री के लिए वो देती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़कर। लेकिन इन चारों चीजों में बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, कमी आ रही है। वो कमी इसलिए आ रही है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ते हैं क्योंकि प्रोटीन के लिए उन्हें चाहिए। दूसरा क्या है, जंगलों में लकड़ी कम होते जा रही है क्योंकि गरीब कंट्रीज क्या करती हैं, ज्यादा और ज्यादा पेड़ों की कटाई करती हैं क्योंकि उन्हें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। इस वजह से लकड़ी की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीसरा क्या हुआ है, जो घास के मैदान है उनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो बैरन हो गए हैं और उनमें उपजाऊपन बिल्कुल भी नहीं रहा, वो बंजर हो गए हैं। और फोर्थ क्या है, जो कृषि है, जो खेती है, वो भी क्यों खराब हो रही है, वो इस वजह से खराब हो रही है क्योंकि जो गोबर है वो नेचुरल खाद का काम करता है, लेकिन उसे लोग क्या कर देते हैं पुअर कंट्रीज में, उसको वो जला देते हैं। तो ये चारों चीजें जो होती जा रही हैं वो कम होती जा रही हैं। फिर हमें ये भी बताया गया कि जो सरकार है वो अपने संविधान अनुच्छेद 48A में कहती है इंडिया में कि वो सरकार हर चीज का ध्यान रखेगी, सुरक्षा करेगी पर्यावरण की और प्राणियों की। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कानून बन जाते हैं लेकिन उनको एनफोर्स नहीं किया जाता, सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। ऐसे इंडिया में कितने कानून बने हैं जैसे छुआछूत के, बंधुआ मजदूरी के, उनको समाप्त करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ आज भी चल रहा है। तो उसके बाद हमें ये बताया गया कि जो सबसे ज्यादा ये जो धरती पे हालत खराब हो रही है वो किस वजह से हो रही है, पॉपुलेशन की वजह से। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। अमीरों के बच्चे कम होते हैं, जो गरीब है उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। गरीब ये समझते हैं कि ज्यादा बच्चे मतलब उनके लिए क्या होगा, ज्यादा काम करने वाले। लेकिन हमें ये बताया जाता है ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा बच्चों का मतलब है कि ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड। और हमें ये बताया गया कि जनसंख्या को रोकने के लिए स्टेप उठाए जाने चाहिए लेकिन जबरदस्ती लोगों को स्टेरिलाइज नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को वॉलंटरली अपनी इच्छा से आगे आना चाहिए और फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए।
जब जनसंख्या कम होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो एजुकेशन भी बढ़ती है, जब एजुकेशन बढ़ती है तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती है, और ज्यादा अवेयर क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, और जो ज्यादा अवेयर पॉपुलेशन होती है तो उसे पता होता है कि स्मॉल फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वैल्यू है। और लास्ट में हमें क्या दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है। किसकी स्टेटमेंट दी जाती है? एक तो स्टेटमेंट दी गई डू पॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। दूसरी हमें स्टेटमेंट क्या दी जाती है, मार्गरेट थैचर की। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जनरेशन इस धरती की मालिक नहीं है, हम सब किराएदार की लाइफ को जीते हैं। और लास्ट में लेस्टर ब्राउन की हमें स्टेटमेंट दी गई, जो कहते हैं कि हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है, बल्कि हमने उधार ली है अपने बच्चों से, और हमने बच्चों को वैसे ही सही सलामत वापस करनी है। तो यहां पर ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।